नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों साइंस एनसीईआरटी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 है जल या वाटर। तो हम सभी जानते हैं कि इस पानी का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है, तो हम समझेंगे कि आखिर इस दुनिया में इतना सारा पानी है और वो हमारे उपयोग लायक क्यों नहीं है और किस प्रकार के जल को हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जल चक्र क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अगर हमने ये चैप्टर समझ लिया तो इस चैप्टर से पहली बात तो हमारे साइंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। साथ ही साथ जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में ये सारे आपको जितने भी ये टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, चाहे वो कंडेंसेशन हो या इवेपोरेशन हो या इवेपोट्रांसपिरेशन हो, ये सारी वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कार्यक्रम। अब अगर हम बात करें जल की, तो जल के बारे में हमें समझना है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इस चैप्टर का। पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी का अधिकांश भाग लगभग 2/3 जल से घिरा हुआ है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से घिरा हुआ है। आप ग्लोब उठा लीजिए या मैप उठा लीजिए वर्ल्ड का, तो आप देखोगे कि लैंड से ज़्यादा क्या है, ओशियन दिखेंगे। लैंड से ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे, महासागर दिखेंगे। भूमि से ज़्यादा आपको महासागर दिखेंगे। और वही ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस पृथ्वी पर भूमि से ज़्यादा क्या है, महासागर है। और कह रहा है कि लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और महासागरों में है। कहता है कि इस जल का अधिकांश भाग समुद्रों और किसमें है, महासागरों में है। जैसे आप बात कर लो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, आप बात कर लो अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, इसी तरह आप इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो आप देखोगे कि विभिन्न महासागरों में जो पृथ्वी का अधिकांश भाग है वो जल के रूप में विद्यमान है। पॉइंट नंबर 3 पर अगर हम आए तो ये कह रहा है कि समुद्र और महासागरों के जल में बहुत से लवण या साल्ट घुले हुए हैं। समुद्र के जल में बहुत सारे साल्ट घुले हुए हैं जिससे जल खारा होता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि समुद्र का जो जल होता है उसमें बहुत सारे साल्ट घुले होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि समुद्र के जल में नमक भी होता है, और वो नमक हम कैसे प्राप्त करते हैं, समुद्र के पास हम छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं और इन गड्ढों में समुद्र का पानी भर जाता है, और जब इन गड्ढों में पानी भरता है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, और जैसे ही सूर्य इन गड्ढों पर अपनी किरणें डालता है तो इन गड्ढों में उपस्थित जल का क्या हो जाता है, इन गड्ढों में उपस्थित जो जल होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है, और यहाँ पर शेष क्या बनता है, बहुत सारे साल्ट्स बचते हैं और इन साल्ट्स में नमक को निकाल लिया जाता है। तो ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो यही यहाँ पर भी बात है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है तथा घरेलू कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं है। याद रखिएगा कि हमें लगता है कि दुनिया में इतना सारा पानी है फिर भी क्यों कहा जाता है जल ही जीवन है, जल कम पड़ रहा है। इसका कारण ये है, जल तो बहुत सारा है लेकिन उस जल में बहुत सारे साल्ट्स घुले हुए हैं, बहुत सारे लवण घुले हुए हैं, इसलिए वो हमारे मतलब हमारे प्रयोग योग्य नहीं है, मतलब वो हमारे उपयोग लायक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि लेकिन महासागर हमारे उपयोग के लिए जो जल आपूर्ति होती है, वाटर सप्लाई जो होती है, में एक आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह क्रिया जलचक्र द्वारा या वाटर साइकिल द्वारा संभव होती है। यद्यपि महासागरों या सागरों का जल बहुत ज़्यादा साल्ट होने के कारण हमारे उपयोग लायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये महासागर या सागर जो होते हैं ये जल आपूर्ति में या हमारे दैनिक जीवन में जो वाटर सप्लाई होती है, जो जल हम यूज़ करते हैं, उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि महासागर हमारे जो जल आपूर्ति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आपको लगेगा कि महासागर के जल में चूंकि साल्ट्स हैं इसलिए वो हमारे जल आपूर्ति में भूमिका नहीं निभाते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखना है
कि महासागर क्या होगा, जल आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किस प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम है जल चक्र द्वारा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जल चक्र के द्वारा महासागर कैसे जल आपूर्ति में भूमिका निभाते हैं। तो चलिए अब समझेंगे हम वाटर साइकिल या जल चक्र क्या होगी, क्या होता है। चलिए, तो जल चक्र एक पूरी प्रोसेस है जिसको हम तीन या चार पॉइंट के अंदर समझेंगे और फिर समझेंगे कि जल चक्र होता क्या है। तो जल चक्र क्या होता है, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे कि होता क्या है। डिसअपेयरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, जल के विलुप्त होने की प्रक्रिया, ये कैसे होती है। कह रहा है कि दिन के समय सूर्य की जो किरणें होती हैं वो महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। दिन के समय जब सूर्य ऊपर चढ़ता है तो जो भी सूर्य की किरणें होती हैं वो महासागरों पर पड़ेंगी, नदियों पर पड़ेंगी, झीलों पर पड़ेंगी, तालाबों में पड़ेंगी। साथ ही साथ सूर्य की ये किरणें खेत और अन्य जितनी भी भूमियाँ होती हैं सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। मतलब ये जल स्रोतों पर तो पड़ती ही हैं, साथ ही साथ ये खेतों में भी पड़ती हैं और अन्य जितने भी प्रकार के भूमि क्षेत्र होते हैं उन पर भी पड़ती हैं। इस सब के फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। जब भी महासागर, नदियों, झीलों, तालाबों में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें क्या हैं, सूर्य की किरणें एक प्रकार की ऊष्मा ऊर्जा है और जब ये पानी पर पड़ेंगी, जल पर पड़ेंगी, तो जल का वाष्पीकरण होगा, यानी जल जो पहले लिक्विड फॉर्म में था वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो गैस फॉर्म में आ जाएगा और वाटर वेपर या जल वाष्प बन जाएगा। अब कहता है, और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि खेत और भूमि में भी वाष्पीकरण होता है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है कि खेत में क्या होता है। आप देखोगे कि खेत में अगर आप खेत की सिंचाई कर दो तो उसके बाद जैसे ही अगले दिन सूरज आएगा तो आप देखोगे कि खेत क्या हो गया, खेत का जो जल था वो उड़ गया और आप देखोगे कि मिट्टी फिर से कैसी हो गई, जल से रहित हो गई, यानी वहाँ पर अब नमी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य की किरणों के द्वारा जो ऊष्मा ऊर्जा आ रही थी उसने खेत की जो भी नमी थी और जितने प्रकार की भूमि होती हैं जिनमें जिनमें नमी विद्यमान होती है उन सब का वाष्पीकरण कर दिया, ठीक है। उसके पश्चात ये हम देख चुके हैं, इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, एक बात ये आती है कि चलिए जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी वहाँ पर तो ये बात आ गई कि सूर्य की किरणें पड़ी और वाष्पीकरण हो गया, इवेपोरेशन हो गया। लेकिन आप कभी ऐसा देखो कि आप अपने घर के बरामदे में, आंगन में सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, बगल में बरामदा है, बरामदे के ऊपर छत है, आप उसमें बाल्टी में पानी भर के रख दो, आप देखोगे कि बरामदे में जो बाल्टी रखी है पानी से भरी, कुछ दिन बाद या रोज़ आप देखोगे उसका थोड़ा थोड़ा पानी कम होने लगेगा, दो दिन में आप देखोगे बाल्टी का पानी खत्म हो गया। तो आपको लगेगा कि चूंकि वाष्पीकरण की क्रिया तो सूर्य की किरणों के कारण होती है तो यहाँ वाला पानी कैसे कम हो रहा है जो कि छत के नीचे रखा है। तो उसको भी समझिए थोड़ा सा। कह रहा है कि छाया वाले स्थान पर रखे जल का भी वाष्पन होता है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक है वो आपका मजबूत होगा इस सब टॉपिक्स को पढ़कर, क्योंकि दिन के समय हमारे चारों तरफ की वायु भी गर्म हो जाती है। सूर्य की किरणें आती हैं, पृथ्वी की सतह से टकराती हैं, टकराकर वो जब पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में निकलती हैं तो वायुमंडल को गर्म करती जाती हैं, यानी वायुमंडल, सूर्य की किरणें आती हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन में और लॉन्ग वेव रेडिएशन में जाती हैं। तो हमारा जो वायुमंडल होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन से गर्म नहीं होता है, बल्कि किससे गर्म होता है, सूर्य की जो किरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस जाती हैं या गर्म होकर बाहर निकलती हैं, उसमें वापस निकलती है धरती की सतह से, उससे गर्म होती है। तो सीधी सी बात क्या है कि ये जब ऊपर जाएगी तो जो वायु है या वायुमंडल है उसको भी गर्म करेगा। जैसे ही वायुमंडल गर्म होता है तो उसके पश्चात क्या होता है कि वायुमंडल का गर्म होने से मतलब है कि वायु गर्म हो गई, और वायु क्या होगी, गर्म वायु छाया में रखे हुए जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। तो छाया में अगर किसी बर्तन में आपने जल रखा है तो उसका वाष्पीकरण कैसे होगा, उसका वाष्पीकरण सूर्य के द्वारा, गर्म हुई वायु के द्वारा होगा, क्योंकि आप छाया में छत बनाकर आप सूर्य की किरणों को रोक सकते हो लेकिन आप क्या करोगे, वायु को नहीं रोक सकते हो। वायु, वातावरण तो हर जगह विद्यमान है तो वातावरण को रोकना मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती रहती है।
ये जितनी भी क्रियाएं हुई हैं, चाहे वो वायु के द्वारा वाष्पीकरण हुआ हो या डायरेक्ट सूर्य के द्वारा वाष्पीकरण हुआ हो, अंततः इनका परिणाम आप क्या देख रहे हो, अंततः इनका परिणाम ये हो रहा है कि जो भी वाटर बॉडी थी या कोई भी जलाशय था उस पर क्या हुआ, उसका वाष्पीकरण हुआ। जलाशय मतलब कि वाटर का ये कौन सा फॉर्म है, ये वाटर होगा यानी लिक्विड फॉर्म, और जब वाष्पीकरण हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, तो ये जो पानी है ये वाटर वेपर में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाटर वेपर, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं जलवाष्प। तो ये पानी अब जलवाष्प या वाटर वेपर में परिवर्तित हो गया। तो यानी ये जो थी, ये जल का कौन सा रूप था, ये जल का लिक्विड फॉर्म था, और ये जल की कौन सी फॉर्म है, ये जल की गैस फॉर्म है। तो जो जल चक्र की पहली क्रिया थी उसमें हमने देखा कि जल कैसे विलुप्त होता है सतह से, और हमने देखा कि सूर्य की किरणों द्वारा, गर्म वायु द्वारा जल जो था वो लिक्विड फॉर्म से जल वाष्प बन गया या गैस फॉर्म बन गई। तो याद रखिएगा, पहले स्टेप में हमने वाष्पीकरण करा दिया, और इस वाष्पीकरण क्रिया के फलस्वरूप जल जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो किस फॉर्म में बदल गया, वो गैस फॉर्म में, जलवाष्प के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में बदल गया। अब इसी वाटर साइकिल की हम नेक्स्ट स्टेप समझेंगे कि प्रकृति में जल चक्र की पूरी क्रिया कैसे संपन्न होती। तो चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। अब हम सेकेंड पॉइंट देखें, तो सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है कि पौधे द्वारा जल की क्षति, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अभी हमने जल स्रोतों से देख लिया कैसे जल की क्षति होती, अब हम देखेंगे कि पौधे भी इस जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं, चलिए समझते हैं। सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि सभी पौधों के लिए, पौधे जो भी होते हैं उनको वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट, पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं तथा कुछ मात्रा को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। मैं पीछे बता चुका हूँ कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, और इसके लिए पौधे क्या करते हैं, पौधे जाइलम, जो इस पौधों में नली होती है जिन्हें जाइलम बोलते हैं, उनके द्वारा ये जल ऊपर जाता है और पत्तियों में चला जाता है, पत्तियों में ये भोजन बना लेते हैं, साथ ही साथ ये जल पौधों के विभिन्न भागों में संचित हो जाता है। पौधे इस जल का, देखिए ये तो पढ़ चुके हैं, तथा कुछ भाग को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित करते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन या इवेपोट्रांसपिरेशन, तो कहता है कि पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में मुक्त कर देते हैं। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, सीधी सी बात है, जब किसी जल स्रोत से वाष्पीकरण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन बोलते हैं। फिर बोल रहा हूं, जब किसी जल स्रोत से जल जो लिक्विड फॉर्म में था वो गैस फॉर्म में बदल जाता है, वाटर वेपर बन जाता है, जल वाष्प बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। लेकिन वही वाष्पीकरण जब पौधे से होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पौधे की पत्तियों से होता है, तो उसे हम इवेपोट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो ये भी वाष्पीकरण है, वो भी वाष्पीकरण था, वो जल स्रोतों से वाष्पीकरण था, ये पौधे और पौधे की पत्तियों से वाष्पीकरण है, सेम चीज़ है। चूंकि ये पौधे से होता है इसलिए इसे इवेपोट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि जल चक्र में जल स्रोतों के अलावा पौधे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे अगला स्टेप जो इस वाटर साइकिल में होता है या घटित होता है। अब हम देखेंगे कि बादल कैसे बनते हैं, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, बादल कैसे बनते हैं, चलिए ये समझते हैं। हमने देखा पहले और सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कि पहले पॉइंट में जल स्रोते से वाष्पीकरण हो गया, और दूसरे पॉइंट में जितने भी प्लांट्स थे, ट्रीज थे, उन श्रब्स थे, झाड़ियाँ थी, उन सबसे वाष्पीकरण हो गया, जिसे हमने पहले वाले में इवेपोरेशन, दूसरे वाले को इवेपोट्रांसपिरेशन कहा। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट कि बादल आखिर कैसे बनते हैं, ये समझिए। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस भेजने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमने पीछे क्या देखा, हमने देखा कि जल स्रोतों से और पौधों से जल जो पहले लिक्विड फॉर्म में था वो गैस फॉर्म में बदल गया, यानी जल जो था वो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या बन गया, वो बन गया वाटर वेपर। और वाटर वेपर क्या है, वाटर वेपर
जल की गैसीय अवस्था या गैसियस स्टेट है। तो वाटर वेपर याद रखिएगा जल का गैसीय रूप है। तो जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में, जो जल वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प बन गया है उसको वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जिसको संघनन विस्तार से पढ़ना हो पीछे के चैप्टर्स में आप देखोगे वहाँ पर संघनन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से विस्तार से समझाया गया है। इसलिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पीछे जाकर एक बार संघनन को ढूंढ कर पढ़ लें कि संघनन आखिर होता क्या है। तो वाटर वेपर बन गया, तो जल जो पहले लिक्विड फॉर्म में था गैस फॉर्म में परिवर्तित हो गया, ऊपर चला गया। अब इसको नीचे कैसे लाएंगे, तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसे बोलते हैं संघनन, या उसे ही बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो याद रखिएगा, कंडेंसेशन बोलते हैं। अब कंडेंसेशन क्या मतलब है इसको समझिए। मैंने पिछली एक एग्जांपल आपको देता हूं, पीछे भी दिया था, एक एग्जांपल मैं देता हूं। सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपने एक ग्लास में पानी भरकर रख दिया, ठीक है ना, और इस ग्लास में कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। तो आपने एक ग्लास में पानी भर दिया और कुछ बर्फ के टुकड़े डाल दिए, ठीक। अब इसको समझिए क्या ये, इसका मतलब है कि आपने ग्लास के पानी में बर्फ के टुकड़े डाल दिए, आइस डाल दी, तो इसका मतलब है कि ये ग्लास ठंडा है। सीधी सी बात है कि इसकी बाहरी सतह भी, ये जो आउटर लेयर है, ये सतह जो है बाहरी, ये क्या होगी, ठंडी होगी। अब कोई भी वायु आती है इस ग्लास से टकराती है तो आप देखते क्या हो कि आप इतना जानते नहीं हो कि वायु आई है, आप देखोगे कि जिस ग्लास में आपने आइस डाल रखी है, जिस ग्लास में आपने बर्फ डाल रखी है, उसकी जब बाहरी सतह पर कांच के ग्लास के देखोगे तो आपको पानी के बूंदे दिखाई देंगी, और बहुत छोटी छोटी बूंदे दिखाई देंगी, और पूरा ग्लास बाहर गीला होगा। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप जिस ग्लास में बर्फ डालते हो, आइस डालते हो, वो बाहर कैसे गीला हो जाता है। तो ये इस यही क्या है, ये कंडेंसेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। दरअसल ये गीला ऐसे हुआ है कि जो बाहर वायु आई है, तो सीधी सी बात, अगर वायु आ रही है तो वायु में कुछ ना कुछ वाटर वेपर या जलवाष्प जरूर रहा होगा, और जैसे ही जलवाष्प इससे टकराया तो क्या हो जाएगा, जलवाष्प जैसे इससे टकराता है, तो जैसे ही जलवाष्प इससे टकराएगा या एयर इससे टकराएगी, तो जो क्या हो जाएगा, एयर ठंडी हो जाएगी, और जैसे ही ठंडी हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हीट ने वाष्पीकरण करवाया था, जब ये एयर इस ग्लास से टकराती है तो वो हीट मतलब क्या हो रहा, ठंडा हो रहा, यानी वो हीट निकल जा रही है। तो जल जो वाष्प क्यों बना था, जल स्रोत से वाष्प इसीलिए बना था क्योंकि बाहर से उसमें हीट एनर्जी उसको मिल गई थी, और जब इस ग्लास से ये वाष्प टकरा रही है तो वो हीट एनर्जी निकाल दी जा रही है। तो सीधी सी बात है, जल वाष्प में इसलिए परिवर्तित किया गया था, इसलिए परिवर्तित हो गया था क्योंकि उसे सूर्य के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा या हीट एनर्जी दी गई थी, ठीक है ना। और यही हीट एनर्जी जल को ऊपर ले जाती है, ईंधन का काम करती है, फ्यूल का काम करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बाहरी जब ये एयर आ रही है और ग्लास से टकरा रही है, तो इस एयर में जो जलवाष्प होगा वो किसके द्वारा संचालित हो रहा है, उसी हीट एनर्जी के द्वारा संचालित हो रहा है, लेकिन जैसे वो इस ग्लास से टकराएगी हीट एनर्जी निकल जाएगी, तो क्या होगा, जल जो ऊर्जा जल को वाष्प रूप में अभी तक बनाए रखी थी, जब वो ऊर्जा निकल जाएगी तो ये वाष्प रूप में जो जल है या जो जल की गैसियस स्टेट है, जैसे ही वो ऊर्जा निकलेगी वो फिर से अपने पुराने रूप में आ जाएगा और इस ग्लास की बाहरी सतह पर जल के रूप में दिखाई देने लगेगा। तो यही प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन। यही प्रोसेस क्या होती है, संघनन, ठीक है ना। उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँगा ये वाली प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से एक बार समझने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, उसको समझिए, शायद समझ में आ जाए। पीछे ये वाला एग्जांपल बताया भी है। एक केतली ले लीजिए, एक चाय वाली केतली ले लीजिए। आपने केतली ले लिया और केतली में आपने क्या किया, केतली में आपने क्या भर दिया, केतली में आपने जल भर दिया। इस जल के नीचे स्टोव या गैस जला दीजिए और इस पानी को गर्म करिए। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ये केतली, मान लिया इसका ऊपर की तरफ मुंह है, आप देखोगे कि क्या हो रहा है,
थोड़ी देर बाद आप देखोगे जब आप नीचे बहुत देर तक गर्म करोगे तो ये जो जल है इसको जैसे ही ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी ये जल किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाटर वेपर में परिवर्तित हो जाएगा, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और केतली से बाहर निकलने लगेगा। लेकिन आपने केतली के बाहर एक थाली रख दी और थाली के ऊपर बर्फ़ रख दी, तो जैसे ही ये जल वाष्प बाहर निकलेगा और इस ठंडी थाली से टकराएगा नीचे से, तो क्या होगा, उसकी ऊष्मा निकल जाएगी और ये फिर से जो ऊष्मा, जिस ऊष्मा ने उसे लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में परिवर्तित किया था, जिस ऊष्मा ने उसे जल से जलवाष्प में परिवर्तित किया था, जब वो ऊष्मा ही जल को छोड़कर भाग गई तो जल फिर अकेला हो गया और अकेला होकर जलवाष्प से किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो उम्मीद है अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे तो कंडेंसेशन का एग्जाम्पल आप जीवन में नहीं भूलोगे। तो चलिए अब यहाँ समझते हैं, अब भी अगर ये आपने समझ लिया तो ये सब आपके लिए बच्चों वाला खेल हो चुका है। वायु के ऊपर उठने पर तापमान में कमी आती है, सीधी सी बात है, जब वाष्पीकरण होता है तो यानी वायु ऊपर जाएगी, वाष्पीकरण हुआ ठीक है, वायु गर्म हुई और वायु ऊपर उठेगी, क्योंकि वायु जैसे गर्म होती है तो वायु के अणुओं के बीच जो स्थान होता है जिसे हम इंटर मॉलिकुलर स्पेस या अंतर आणविक स्थान बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वायु के अणु एक दूसरे से गर्म हो जाएंगे, और गर्म मतलब क्या हुआ, उनको ऊर्जा मिल गई और वो दूर दूर भागने लगेंगे। तो जो अणुओं के बीच इंटर मॉलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही इंटर मॉलिकुलर स्पेस बढ़ेगा वायु हल्की हो जाएगी, यानी जैसे ही हल्की होगी तो हल्की चीज़ ऊपर उठ जाती है तो वायु ऊपर उठ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया, वायु ऊपर उठ जाएगी। अब वायु के ऊपर जाने पर तापमान में कमी के कारण वायु ठंडी होती जाती है। मैंने बताया था अभी कि जो हमारा वायुमंडल गर्म होता है वो सूर्य से आने वाली किरणें जिन्हें जो होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन, उनसे नहीं गर्म होता है। हमारा वायुमंडल लॉन्ग वेव रेडिएशन से गर्म होता है, यानी जो किरणें, जो सनरेज आती हैं उनसे नहीं गर्म होता है, बल्कि जो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण बोलते हैं या लॉन्ग वेव रेडिएशन बोलते हैं, उनसे गर्म होता है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, जब वायुमंडल नीचे से गर्म होगा तो नीचे ज़्यादा गर्म होगा, उससे ऊपर जाने पर उससे कम, उससे ऊपर जाने पर उससे कम। सेम ये क्रिया वैसे ही होती है जैसे आप कभी क्या करते हो, आप कभी चावल चढ़ाते हो या दाल चढ़ाते हो तो नीचे से पहले गर्म हो जाती है, क्योंकि ऊष्मा नीचे से मिल रही है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे आपको चावल कच्चा मिलता जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जब चावल बनाया जाता है या कुछ भी बनाया जाता है तो उसको लगातार चलाते रहना चाहिए किसी चमचे से, चम्मच से। सेम वही प्रोसेस होती है। तो सीधी सी बात है, जब वायुमंडल नीचे से ऊपर की ओर गर्म हो रहा है तो वायुमंडल नीचे ज़्यादा गर्म होगा, उससे ऊपर कम, उससे ऊपर उससे कम। और यही इस पॉइंट का मतलब है, ये कह रहा है कि वायु के ऊपर उठने पर तापमान में कमी के कारण वायु ठंडी होती जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, वायु जैसे उठेगी ठीक है तो वायु ठंडी होती जाएगी क्योंकि तापमान कम हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिसे जल कणिका या ड्रॉपलेट्स कहते हैं, में परिवर्तित हो जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने समझा है, सेम वही प्रोसेस है। ये कहता है कि ये कह रहा है कि जो भी ये जलवाष्प ऊपर गई है, जब ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है वो जो हीट एनर्जी उसको ऊपर ले गई, वो जब वायु ऊपर जाएगी तो वो हीट एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती जाएगी, और रिलीज हो जाएगी तो आखिरी में क्या हो जाएगा, उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित हो जाएगी। ऊपर वायु इतनी ठंडी हो जाएगी कि जो भी उष्मा थी, जो एनर्जी थी, जो उसको जलवाष्प में अभी तक बना कर रखी थी, जैसे ही वो उष्मा या एनर्जी निकल गई तो ये जो जलवाष्प थी ये क्या हो जाएगा, फिर जल की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जल कणिका या ड्रॉपलेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती ही रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। जो भी ये छोटी छोटी जल कणिकाएं बन गई हैं, और ये याद रखिएगा, जैसे ही जल वाष्प फिर से जल में परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन या संघनन बोलते हैं। अब क्या कह रहा है कि ये छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। जब कंडेंसेशन हो गया, आपने देखा कि क्या होगा, जल वाष्प ऊपर गया, छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका या ड्रॉपलेट्स कहते हैं, हमें परिवर्तित हो गया। अब ये छोटी छोटी जो जल कणिकाएं हैं ये वहाँ पर तैरती हुई दिखाई देंगी, जिन्हें हम बादल कहते हैं
वो दरअसल और कुछ नहीं, जल वाष्प जब छोटी छोटी जल कणिकाओं में या जल की छोटी छोटी बूंदों में या ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित हो जाता है तो ऊपर तैरता रहता है, और उसे ही हम क्या नाम देते हैं, उसे ही हम आम भाषा में बादलों का नाम देते हैं। इस प्रकार की बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएँ आपस में मिलकर एक बड़े अमाप की जल की बूंद बनाती हैं। जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स या जल कणिकाएँ आपस में मिलती हैं तो एक बड़ी बूंद बन जाती है, और वही बड़ी बूंद बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे आ जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम वर्षण या वर्षा बोलते हैं। अब थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है, यहां तक हमने देखा कि इसमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो नीचे की ओर गिरने लगती हैं। जब छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलेंगी तो एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बनेगी, और जितनी बड़ी ड्रॉपलेट्स होगी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उतनी तेजी से आकर्षित की जाएगी। तो इसमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं, वही बात है जो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, इन गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। इन गिरती हुई जो भी ये बूंदें ड्रॉपलेट्स मिलकर बड़ी बूंद बनाएंगी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर्षित होकर नीचे आएंगी, इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम क्या बोलेंगे, इन्हीं गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा बोलते हैं। विशेष परिस्थितियों में या ओला या हिम के रूप में भी गिर सकती हैं। यहाँ पर कह रहा है हम क्लास 11th की जब फिजिकल ज्योग्राफी के NCERT पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट विस्तार से पढ़ेंगे इस वाली लाइन का, लेकिन अभी इतना जान लीजिए, ये कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में या ओला या हिम के रूप में भी जलवाष्प परिवर्तित हो सकती है। कैसे होती है आराम से समझ लीजिए, जब ये वायु ऊपर जाती है, कभी कभी वायु बहुत अधिक ऊंचाई पर चली जाती है, तो क्या होगा, जब बहुत अधिक ऊंचाई पर चली जाती है तो वहाँ तापमान बहुत तेज़ी से गिर जाता है, तो वहाँ ये जलवाष्प सॉलिड फॉर्म में बदल जाती है या ओला बन जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, ओला वर्षा। और ऐसे ही कभी जलवाष्प जब ऊपर जाती है तो बीच में रहती है तो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है, और जब बहुत नीचे रहती है तो गैस फॉर्म में रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जलवाष्प ऊपर जा रही है ये जल की बूंद के रूप में गिरेगी, ओला या हिम के रूप में गिरेगी। इसका सबसे मुख्य कारण या किस रूप में गिरेगी या निर्धारण कैसे होता है कि जो वायु संवहन तरंग के रूप में, यानी वायु जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे संवहन तरंग बोलते हैं। तो ये संवहन तरंग के ऊपर निर्भर करता है कि जल की बूंद किस रूप में नीचे आएगी, या हम कहें ज़्यादा बेहतर वर्ड है कि जलवाष्प किस रूप में नीचे गिरेगी। यदि संवहन तरंग इस जलवाष्प को बहुत ऊपर लेकर जाती हैं तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बहुत ठंडक होती है, बीच वाली परत में वायुमंडल की क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में, और सबसे नीचे जब वो रहती हैं तो गैस फॉर्म में ही रहती हैं। तो जो बारिश मुख्यतः होती है वो बीच वाली परत से ही वायुमंडल की होती है, मोटा मोटा सा यही समझ लीजिए, इसके आगे अभी हमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वायु में चला जाता है। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि हमने पीछे देखा कि वाष्पन यानी जल स्रोतों से वाष्पन हुआ, वाष्पोत्सर्जन यानी पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ, द्वारा जो जल है वायु में चला गया, बादल बनते हैं, उसके बाद बादल बनने के बाद वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले जल स्रोतों से वाष्पीकरण हुआ, इवेपोरेशन हुआ, उसके पश्चात पेड़ पौधे झाड़ियों से इवेपोट्रांसपिरेशन हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ, ये जो भी जलवाष्प थी ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, बादल बने, बादल के बाद वर्षा हुई, वर्षा ओले तथा हिम के रूप में पुनः ये धरती पर आ गई, ठीक है ना। अब जो जलवाष्प का अंतिम चरण होगा उसे देखेंगे। हमने देखा कि जो वाष्पीकरण हुआ था उसके परिणाम स्वरूप बादल बने, फिर वर्षा हो गई, और जो जल ऊपर वाष्प के रूप में गया था फिर से वो नीचे आ गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पुनः महासागरों की ओर, बैक टू द ओशियन। जो ये वर्षण हुआ है, जो ये प्रेसिपिटेशन हुआ है, आखिर ये महासागरों तक कैसे पहुंचेगा, इसको समझना है हमें। अगर इसको समझने की बात करें तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचे हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी भी आप ग्लोब देखेंगे या वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि जितने भी भूपृष्ठ हैं, भूसतह है, वो महासागरों से ऊंचे स्थल पर है, ठीक है ना। वर्षा तथा हिम के रूप में भूमि पर गिरा अधिकांश जल अंशतः महासागरों में वापस चला जाता है। जो भी वर्षा तथा हिम के रूप में जो जल पृथ्वी की सतह पर गिरता है वो अंततः बहकर कहाँ चला जाता है, लगभग पूरा नहीं लेकिन फिर भी महासागरों में चला जाता है।
या विभिन्न प्रकार या ढंगों से होता है। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है कि धरती पर जो जल गिरा है वह महासागरों में पहुंचेगा, इसके कई तरीके होते हैं, चलिए देखते हैं। पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है, यह जल आप देखते हो कि पर्वतों पर हिम वर्षा होती है, स्नोफॉल वगैरह होता है, तो पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाती है, यह जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे आता है। तो पर्वतों पर जो हिम होते हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो क्या होगा, आप पर्वतों पर हिम की नदियां भी देखते हो जिन्हें हिमनद बोलते हैं, वो हिम की नदियां होती हैं, और जब वो क्या होगा, वो जब पिघलती हैं तो जल बनती हैं, या जल पहाड़ों से झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। आपको पता है कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है जिससे गंगा निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर क्या होगा, बर्फ का रूप हो गया, जब ये पिघलता है तो गंगा निकलती है। उसके बाद आपको पता होगा कि गंगा जब आगे जाती है तो आगे किस में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये यही पॉइंट कह रहा है कि पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बनती है, या जल पहाड़ों से, उत्तराखंड के पहाड़ों से नीचे आता है, झरनों तथा नदियों के रूप में नीचे गिरता है। तो आपको जब भी पता होगा, आप देखते हो कि कभी नदी जो आती है नदियों के रूप में जल ऊपर से नीचे आता है, इसी तरह आप देखोगे पठारों पर अक्सर झरनों का निर्माण हो जाता है, नीचे गिरता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अगर गंगा नदी है तो आसपास जो वर्षा होगी उसका जल गंगा नदी में बह जाएगा, वही ये पॉइंट कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती हैं और अंततः किसी समुद्र या महासागर में गिर जाती हैं। अधिकांश नदियां, आप चाहे किसको ले लीजिए, आप चाहे गंगा को ले लीजिए या फिर क्या होगा, यमुना तो खैर गंगा में ही मिल जाती है, लेकिन अंततः वो दोनों कहाँ चली जाती हैं, बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र से मिलकर बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। एक मिनट, अब हमें कौन सा पॉइंट देखना है, नेक्स्ट पॉइंट देखना है, और ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसको समझिए। कह रहा है कि वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। जो भी वर्षण होता है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, तो आप क्या देखते हो कि उसका जब वो पिघलता है, चाहे वो ओले गिरे लेकिन पिघल कर या जल वर्षा हो जाए, अंततः क्या होगा कि भूमि द्वारा उसको सोख लिया जाता है तथा मृदा में विलुप्त हुआ प्रतीत होता है, मृदा में विलुप्त हो जाता है। इस जल का कुछ भाग वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा वापस वायु में चला जाता है। गांव में जब बारिश होती है तो आप देखते हो आपके खेतों में पानी भर गया है, तो उस पानी का वाष्पीकरण भी हो जाता है। जब सूर्य आता है तो क्या हो जाएगा, खेत सूख भी जाता है, लेकिन उसी बीच पानी कुछ नीचे चला जाता है जो फिल्म वाटर के रूप में मृदा के दो अणुओं के बीच में भी संचित होने लगता है, वही ये पॉइंट कह रहा है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है। कह रहा है कि शेष जल धीरे धीरे, कुछ तो वाष्पीकरण द्वारा चला गया और जो जल बचा वो धीरे धीरे नीचे रिसता रहेगा, और इसी जल को हम क्या बोलते हैं, इसी जल को हम भौम जल या ग्राउंड वाटर बोलते हैं, और यही जल हमें उपलब्ध होता है। जल का अधिकांश भाग हमें ग्राउंड वाटर या भौम जल के रूप में उपलब्ध होता है। तो वर्षा होती है, खेतों में पानी भरता है, ये सारी भूमि क्षेत्रों में पानी भरता है, उसमें से वाष्पीकरण होता है। हाँ, एक बात याद रखिए, कंक्रीट जो होती हैं, जो रोड होती हैं, उससे पानी रिस कर नीचे नहीं जा पाता है, तो ये याद रखने योग्य बात है। नेक्स्ट पॉइंट, उन क्षेत्रों में जहाँ पर भूमि पर वनस्पति बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है। ऐसे क्षेत्र में भूमि जल नहीं होगा, यहाँ भौम जल की, या भूम जल भी बोल सकते हैं, भूमि जल की कमी हो जाती है। कह रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होता है, वहाँ पर क्या होगा, जब वनस्पतियाँ होती हैं तो जब वर्षा होती है तो वनस्पतियाँ क्या करती हैं, उस जल को रोकती हैं, मतलब उनके रास्ते में रुकाव पैदा करती हैं, जिसके कारण क्या होता है, उस जल को भूमि के अंदर रिसने के लिए अधिक समय मिल जाता है। लेकिन जहाँ पर वनस्पतियों का अभाव होगा, वहाँ पर आप देखते हो शीघ्र ही वर्षा जल बह जाता है। इससे न केवल जल की कमी होती है, बल्कि वो बहता हुआ वर्षा जल मिट्टी का कटाव भी करता है, और जो सतह होती है वो ऊबड़ खाबड़ बन जाती है, तो ये भी एक नुकसान है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिकांश जमीन कंक्रीट से ढकी है, अभी मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है और भौम जल की उपलब्धता प्रभावित होती है। अगर आपने स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में अपने पूरे शहर में कंक्रीट का निर्माण करवा दिया और कहीं पर भी मृदा नहीं दिखाई दे रही आपके शहर में, तो यकीन मानिए कि आपके शहर में ग्राउंड वाटर की कमी होगी,
क्यों? क्योंकि कंक्रीट से जो रिसाव होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, एकदम नगण्य होता है, ये बात याद रखने योग्य है। अब हमें लास्ट कंक्लूजन ड्रॉ करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना हमने पढ़ा है वो एक पॉइंट में समझेंगे। इस प्रकार जल पृथ्वी की ऊपरी सतह से जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि जो जल है वो जब सूर्य की किरणें और पड़ती हैं तो उससे क्या होगा, जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वायु में जाता, उसके पश्चात कंडेंसेशन होगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, संघनन होगा, और वर्षा जल तथा हिम के रूप में वापस लौट आता है। जब कंडेंसेशन संघनन हो जाता है तो वो जो जल जो वाष्पीकरण के द्वारा जलवाष्प बना था, जलवाष्प से कंडेंसेशन के द्वारा फिर से वर्षा जल और हिम के रूप में परिवर्तित होगा और अंत में वापस महासागरों में लौट आता है। देखिए, जब पहले तो माना कि वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण महासागरों से भी होगा, नदियों से भी होगा, झीलों से भी होगा, वो जल क्या हुआ, वाष्पीकरण से सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी ताप बढ़ेगा, वाष्पीकरण हुआ, वो जो जल वाष्प थी वो ऊपर जाएगी। ठीक है, जल वाष्प ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य से आने वाली किरणें थी जिन्होंने जल को वाष्प बना दिया, सूर्य की किरणें खत्म नहीं होंगी, या सूर्य की जो ऊष्मा ऊर्जा जल पर पड़ी है वो खत्म नहीं होगी। खत्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है, यहाँ पर नष्ट हो नहीं सकती है। अब क्या होगा, वो ऊष्मा जो पड़ी है, जो जिसने जल को वाष्प बना दिया, उस जल के लिए फ्यूल का काम करेगी और उस जलवाष्प को जो गैस फॉर्म है उसको ऊपर ले जाएगी। जलवाष्प के रूप में जाता है उसके पश्चात, और जब जैसे जलवाष्प ऊपर जाएगा उसके पश्चात वर्षण होगा। वर्षण में क्या होगा, जब जल रूप में पानी गिरता है तो उसे हम वर्षा बोलते हैं। याद रखिएगा, वर्षण या प्रेसिपिटेशन एक बड़ा वर्ड है, इसमें जितने भी प्रकार होते हैं, चाहे वो हिम वर्षा हो या हिम के रूप में गिरे या फिर ओले के रूप में गिरे या फिर जल के रूप में गिरे, इन सब के लिए जब हमें एक वर्ड बोलना हो तो उसे हम प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ जल की बात करनी हो तब हम उसे वर्षा कहते हैं। तो याद रखिएगा, हम हिम अगर गिर रहा है, यदि ओले गिर रहे हैं, तो उसे हम वर्षा नहीं बोल सकते, वो वर्षण है, ये अंतर याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैंने बात की कि नदियों से, जैसे गंगा से भी पानी ऊपर गया, अरब सागर से भी ऊपर गया, हिंद महासागर से भी ऊपर गया, सॉरी बंगाल की खाड़ी से भी ऊपर गया, तो वो ऊपर गया जलवाष्प के रूप में, और ऊपर जाकर जब संघनन हुआ, जब कंडेंसेशन हुआ, जलवाष्प फिर से जल हिम और ओलों के रूप में परिवर्तित हो गई, तो क्या होगा, वो नीचे गिरेगा। तो कुछ जो जल नीचे गिर रहा है या ओले गिर रहे हैं वो तो अरब सागर में, और इधर बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरेंगे तो डायरेक्ट समुद्र में चले गए। लेकिन कुछ जल जो स्थल पर गिरा है तो कुछ भाग तो उसका रिस जाएगा नीचे की ओर, और कुछ नदियों के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगा, अंततः महासागरों में पहुँच जाता है। अब यही ये कह रहा है कि जो जल चक्र की प्रक्रिया, जैसे जल महासागरों में लौट जाता है, वैसे इस पूरी प्रक्रिया को क्या नाम दे सकते हैं, वैसे ही इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र या वाटर साइकिल का नाम दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जल जलवाष्प बना, जलवाष्प से फिर कंडेंसेशन हुआ, नीचे गिरा, नीचे गिरकर नदियों के माध्यम से फिर से कहाँ पहुँच गया, महासागरों में पहुँच गया, और यही प्रक्रिया पूरी जल चक्र या वाटर साइकिल कहलाती है। और ये टॉपिक कई सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ना केवल साइंस में, बल्कि आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आप जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है, ये वाटर सर्कुलेशन जब हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट में, तो वहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका बड़ा महत्व तो है इस पूरे प्रोसेस का। अब तो मनुष्य ने क्या सोचा कि जल की कमी जो हो रही है, क्योंकि जल जो वर्षण होता है या वर्षा होती है वो अंततः महासागरों में चला जाता है, तो मनुष्य ने सोचा क्यों ना हम वर्षा के जल को एकत्रित कर लें और उसको उपयोग लायक बना दें। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विशेष महत्व है, वर्षा के जल का संग्रहण। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम वर्षा के जल को क्यों प्रयोग करें जब महासागरों के जल का प्रयोग नहीं कर सकते। याद रखिएगा, महासागरों के जल से आप प्रयोग करोगे उसमें बहुत सारे साल्ट्स हैं, लेकिन उसी महासागर के जल पर जब इवेपोरेशन होता है, जब वाष्पीकरण होता है, तो साल्ट कभी भी जल के साथ ऊपर नहीं जाते हैं, वाटर वेपर के साथ साल्ट हमेशा स्रोत में रह जाते हैं
और इसी प्रोसेस से हम नमक बनाते थे। हमने नमक कैसे बनाया था, महासागरों का जल गड्ढों में इकट्ठा किया था महासागर के बगल में, और सूर्य की किरणें इसमें पड़ी तो जितना जल था वो ऊपर चला गया और अंततः इस गड्ढे में क्या बचा, इस गड्ढे में अंततः साल्ट बचे। और इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि साल्ट जो है ये ऊपर नहीं जाते हैं, इसीलिए महासागरों पर जब वाष्पीकरण होता है तो उस वाष्पीकरण में केवल जल ऊपर जाता है, साल्ट नीचे रह जाते हैं। और वही महासागर का जल जब वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जाता है, उसके पश्चात जब वर्षा के रूप में नीचे आता है, तो उस वर्षा वाले जल में साल्ट नहीं होते हैं, इसीलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक विशेष महत्व है। अब हम देखेंगे कि वर्षा के जल का संग्रहण करने की तकनीक क्या है, दो तकनीक यहाँ पर दी गई हैं, उनको समझते हैं। अगर हम जो दो मेथड हैं, एक तो पहला क्या दिया हुआ है कि छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण। अब छत के ऊपर वर्षा जल का संग्रहण कैसे होगा ये समझिए। इस प्रणाली में हम क्या करते हैं कि भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है। मान लिया आपकी ये छत है, ठीक है, और एक मिनट, मान लेते हैं कि आपकी छत है, जो इसमें बता रहा हूं वो मैं समझा दे रहा हूं। आपकी ये छत है, आपका ये घर था, इसके ऊपर आपकी ये छत है। अब छत पर वर्षा का जल आ गया तो सीधी सी बात है, आप अगर आपने घर में कहीं ना कहीं तो इस जल निकासी का कुछ ना कुछ माध्यम बनाया होगा, तो क्या किया जाता है, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी छत पर जल के संग्रहण का लिए क्या किया जाता है कि इस छत से एक पाइप दिया जाएगा और ये पाइप नीचे जाएगा। बगल में आपने एक कुंड बना रखा है या तालाब टाइप का बना रखा है और यहाँ पर आपने क्या कर लिया, छत वाले पानी को एक बढ़िया से तालाब में इकट्ठा कर लिया। और अब इसको समझिए क्या कह रहा है, इस प्रणाली में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में, ये भंडारण टैंक हो गया, में पाइपों द्वारा पहुंचाया जाता है, ये पाइप हो गया। तो छत से जो भी बारिश हुई उसको इकट्ठा कर लिया और भंडारण टैंक में पहुंचा दिया और इस जल का विभिन्न रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, साथ ही साथ इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये इसके अंतर्गत ये हेडिंग है, यानी नालियों द्वारा। अच्छा हाँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट देख लेता हूँ, मैं चेक कर लूँ, मैं फिर बताता हूँ। हाँ नहीं, ये इसी का पॉइंट है, उसका नहीं है। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है कि आप छत पर पाइप द्वारा बगल के टैंक में उतार दीजिए, या फिर जो पाइप द्वारा आप भंडारण करो, इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइप द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहां से यह मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। या तो आप छत से पाइप के द्वारा एक टैंक में ये जल इकट्ठा कर लो, या फिर जो छत आपकी थी उस छत में जब बारिश हुई पानी इकट्ठा हुआ तो एक पाइप देकर नीचे एक गड्ढा बनवा दो जमीन में, कच्चा गड्ढा, और उसमें इसको इकट्ठा कर लो। और ये जल अंततः क्या होगा, कच्चे गड्ढे में अगर एकत्रित होगा तो अंततः यह रिस कर नीचे चला जाएगा और मृदा के दो अणुओं के बीच में स्थित हो जाएगा और ये भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाएगा या ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है, तो दो मेथड हैं, या तो आप छत से टैंक में ले जाओ या छत से कच्चे गड्ढे में ले जाओ और वहाँ से वो ग्राउंड वाटर बन जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय ड्रेन्स, नालियों द्वारा जल संग्रहण। अब नालियों द्वारा कैसे जल संग्रहण कर सकते हैं, सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। सड़क के किनारे नालियां बनी होती हैं, ठीक है ना, और नालियों में जो भी आप देखते हो शहर में खासकर या गाँव में भी, सड़क किनारे जो नालियां होती हैं, बारिश हुई तो सड़कों का पानी और घरों का पानी अंततः नालियों में जाता है, और नालियों के द्वारा, नालियों का जहाँ पर ये निकलती हैं वहाँ पर अगर किसी ठीक ठाक बड़े जलाशय की मतलब उपयुक्तता हो, या क्या कहें कि जलाशय वहाँ पर उपलब्ध हो, तो ये पानी आराम से उस कच्ची जगह पर जाकर रिस कर नीचे जा सकता है। बशर्ते शर्त यह है कि अगर ये कच्चा होगा या कंक्रीट का नहीं होगा तभी रिसाव होगा या ये जल ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध होगा। अगर ये कंक्रीट का बना हुआ तो ये जो नालियों के द्वारा आप जल ले जा रहे हो ये रिस नहीं पाएगा, फिल्म वाटर के रूप में उपलब्ध नहीं होगा, ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध नहीं होगा, मृदा के दो अणुओं के बीच में नहीं जा पाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा और हमने पूरा ये चैप्टर विस्तार से समझा। तो जो जल या वाटर साइकिल था ये सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और विस्तार से पूछा जाता है, तो आपको उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो देखा होगा
कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, फिर भी एक बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा हो जो ये वीडियो देख रहा हो उसको कंडेंसेशन ना समझ में आ रहा हो, पीछे जाकर आप शुरुआत से देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साइंस के या ज्योग्राफी के या इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये किताब जो है वो सारे आपके समाधान करेगा उनको। और लगभग हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, शायद दो चैप्टर छोटे छोटे बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो दोनों चैप्टर कवर करेंगे और क्लास 6 की NCERT समाप्त करके 7th में प्रवेश कर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का, माता पिता का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।